ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कलाबली, जहां से हमारे साथ जगदीश प्रतापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद आपको लिए चलेंगे फतेहाबाद, उसके बाद आपको सीधे लिए चलेंगे सोनीपत, जहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कलाबली, जहां से जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आज बताइए आपके हल्के में क्या कुछ खास है? कलाबाली हल्का में खासकर राजनीतिक हलचल काफी रहने वाली है। अगर बात की जाए चौधरी अभय अनेलो की, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला कई गांव का दौरा करेंगे। वे कार्यकर्ताओं में दम जो है भरने का जो काम उनकी ओर से किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए सिरसा की, तो सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह दुष्यंत चौटाला रहेंगे। वहीं वह भगवान परशुराम के मूर्ति का आवन करेंगे और 11 बजे है लोगों की जो समस्याएं सुनेंगे। कहीं ना कहीं क्यास लगाए जा रहे हैं कि अधिकारियों को जो फटकार लगाने का काम है वह भी उनकी ओर से किया जाएगा। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी की पार्टी के दिल्ली हाईकमान एवं कलावाली हल्का के कुलदीप सिंह गदराना जी के नेतृत्व में 500 हल्के सिरसा विधानसभा के 500 हल्कों में दौरा किया जाएगा। वही कार्यकर्ताओं में दम भरने का काम किया जाएगा। जी गौरव, ठीक है। तो चलिए आपको अब सीधे लिए चलते हैं सोनीपत, जहां से हमारे साथ लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, आप बताइए आपके हल्के में आजकल आज क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है? लाजपत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। अब इस बार जो है रुक कर लेते हैं रमेश ढाका, जो कि फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। क्या कुछ हलचल आपके हल्के में आज दिखाई दे रही है? रमेश, देखिए बताना चाहूंगा की अगर बात की जाए तो मैं किसी का जो है वहां पर एक अवैध सड़क के ठेके को लेकर लगातार जो है आज 20 दिन के करीब समय हो चुका है गौरव, लेकिन एक दुर्भाग्य भी समझता हूँ मेरे देश का, जहाँ पर ऐसी बार बार नशे पर इतना दूर किया जाता है कि नशा छुड़वाने की कोशिश की जाती है, उसी को लेकर के आज 20 दिन के करीब है शराब देखा जो है वो अवैध रूप से वहां पर बताया जा रहा है, जिसके आगे महिलाएं टेंट लगाकर महिलाएं लगातार बैठी है। परसों ये हालात हुए थे वहां पर की शराब के जो ठेके के भी ठीक है। रमेश, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है कुछ तकनीकी समस्या के चलते। इस बार एक बार फिर से मैं सोनीपत जाना चाहूंगा, जहां पर लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है मेरी आवाज वहां नहीं पहुंच पा रही है। कलावली लेकर चलते हैं। जगदीश जी, आप बताइए आपके हलचे में इतनी आज राजनीतिक जो है गतिविधियां होने को लेकर है, क्या वहां पर जन समस्याएं भी सुनने को मिलेंगी? बिल्कुल, अपने कार्यकर्ताओं भैया आम लोगों से भी है जो मेल जोल किया जाएगा। अगर बात की जाए जो कालावाली की, कालावाली में लंपिक बीमारी है जो काफी मात्रा में फैल चुकी है, काफी फसलों की जान है जा चुकी है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन शासन प्रशासन की ओर से जो आवारा पशुओं की और दवाई बूटी ले की जा रही है, भले ही जो संस्थाएं हैं उनकी ओर से पशुओं का देखभाल की जा रही है, लेकिन अगर कालावाली की प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। वही अगर बात की जाए कालावाली के लोगों की ओर से, कालावाली के लोगों को लंदी शाला बनाई गई है। लंदी शाला में अगर बात की जाए तो सैकड़ों पशु है जो रखे हुए हैं, वहां पर भी लंपिक बीमारी के जो पशु देखने को मिल रहे हैं। सरकार की ओर से नंदीशाला गौशालाओं के नाम पर जो राशि दी जाने की, वही नंदीशाला में राशि नहीं दी गई है। चलिए जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश ढाका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ लाजपत आप जुड़े सोनीपत से, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।